ओमेगा ने कहा उसके कॉल समझ नहीं पाते इसलिए उसको मार्क मैक्रो लेवल पे कॉल देने पड़ते हैं उसने ये पी देखने टाइम बोला था बट ऐसा क्यों हो रहा है तेजस भाई क्योंकि अगर आप ओमेगा के पहले वाले इंटरव्यूज देखो जब बीज था तब तो मैं जब ओमेगा का इंटरव्यू लिया था तो मैंने ओमेगा से पूछा था कि आपको कैसे मैनेज करना पड़ता है टीम को आप किस लेवल पर कॉल्स देते हैं तो उन्होंने बोला था कि वो माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं अपनी टीम को वो सिंपल कॉल्स देते हैं और सिंपल कॉल्स मेरी टीम समझती है और सिंपल कॉल्स पे एक्ट करती है अब क्या ऐसा हो गया कि टीम साथ में है और सिनर्जी ब्रेक हो गई ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल से इट वुडेंट बी दैट थिंग ओमेगा मस्ती कर रहा होगा अपनी इस टीम पर हैक्टर इज द बैकबोन ऑफ टीम हेक्टर, हेक्टर माइक्रो मैनेज करता है टीम में करता था टीम में था क्यों वो अभी भी है ना मैड हिंदू हैक्ट या जो भी सपोर्ट रोल में होते हैं ना प्लेयर्स या जो भी फिल्टर uh, होते हैं आई के वो एक तरह से ना ग्लू होते हैं वो टीम को जोड़े रखते हैं अगर वो अपना काम सही से नहीं करते ना फिर टीम जुड़ी नहीं रहती फिर गलतियाँ होती हैं फिर वो ओवर पीकिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं फिर वो स्ट्रैटेजी समझने में प्रॉब्लम आती है टीम को तो वो तो बहुत जरूरी है भाई गोबले एंड ओमेगा फिक्स हैं टीम में पीरो यार हिटमैन जो भी फिक्स है जो भी नहीं फिक्स अब टीम सोल ने हेक्टर और अक्षत के साथ बिग फीट बट आजकल के कॉम्पिटिशन के हिसाब से वट यू को खेलना चाहिए अगर आपको लगता है कि नियो को खेलना चाहिए एक दबाव नियो अक्षत गोब्लिन तो मतलब हेक्टर को बार बिठाओगे तो ग्लू का काम कौन करेगा यार चिपका के कौन रखेगा टीम को ऐसे कौन चिपकाएगा